हेलो फ्रेंड्स, सो वंस अगेन मैं वापस आ गया हूँ। एंड दिस टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। सो लेट्स बिगिन। वेल, 11 फरवरी वो दिन होता है जब मेरा बर्थडे होता है। एंड एज एक्सपेक्टेड 2020 में जब मैंने लास्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मैंने केक कट किया था इमेज इंग्लिश स्कूल में, जहाँ मेरे स्टूडेंटों ने मुझे एक वाइट टी शर्ट गिफ्ट दी थी। एंड इसके अलावा तब मेरा थोड़ा पाँव लेग का इशू था, ACL सर्जरी हुई थी। बट मीनवाइल मेरा ये गोल रखा था कि जब 2021 में जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ ना, तब तक मैं एटलीस्ट इतना हो जाऊँ कि मैं रनिंग करूँ। एंड लकीली वो टारगेट मैंने अचीव कर लिया। सो फाइनली आई हैड अ टारगेट इन माई माइंड कि एटलीस्ट मैं विदिन 12 मिनट्स सर्कल कांकरिया में कंप्लीट कर लूँ, जो अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर का है। एंड आई अचीव्ड इट, एंड आई अचीव्ड इन 10 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। स्टिल देर आर सर्टेन इश्यूज इन माई लेग, टाइमिंग और अच्छा हो सकता है, बट स्टिल देर इज सम पेन। सो बट एनी हाउ आई हैड अचीव्ड अ टारगेट। एंड नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट है वो मैं आपको अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर के वीडियो में बताऊंगा। वेल मीनवाइल ये जो सफर था 2020 से लेकर 2021 का, पूरे साल का, इसमें आया कोरोना। बट यू नो व्हाट, कोरोना ने एक मैच्योरिटी दी, अपने आप को समझने का और टाइम दिया। एंड एज एक्सपेक्टेड अभी जो 21 वाला, अभी जो 2 दिन पहले, ये 13 डेट को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 2 दिन पहले जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया उसमें कुछ चीजें बहुत साफ थी कि इस साल कोई स्टूडेंट्स मुझे पार्टी देने वाली नहीं है, मैं कोई केक कट करने वाला नहीं हूँ। एंड इवन हर साल घर पे गाजर का हलवा बनता है, बट ड्यू टू माय फादर हेल्थ इतना कुछ ज़्यादा बना नहीं। सो वो ठीक है, वो तो लाइफ का पार्ट है। बट एक चीज़ के बारे में कम्प्लीटली श्योर था, दैट माई बेस्ट फ्रेंड हर्षिल, राइट नाउ हिज अ CA, तो वो मुझे गिफ्ट देगा ही देगा। एंड फाइनली उसके गिफ्ट के आने की वजह से ये वीडियो था लेट शूट हो रहा है 13 डेट को अभी। सो क्या गिफ्ट दिया है लेट मी शेयर, सो अनबॉक्सिंग करते हैं चलो। सो दिस इज समथिंग ही हैड सेंड मी, तो मैं उसको जरा काट लेते हैं और देखते हैं कैसी कट रही जिंदगी। सो लेट मी गो थ्रू इट। एक्साइटेड क्या होगा, इवन आई ऑल्सो डोंट नो। सो हेडफोन, एंड इट इज फ्रॉम वन प्लस। वेल अगर हर्षिल ये वीडियो देखेगा, हर्षिल थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा जो हेडफोन है जो मैं पहनता हूँ वो अभी, मतलब उसका एक्सपायरी डेट आ गई है, सो मैं जस्ट नया लेने की परचेस कर रहा था। बट फर्दर एनी हाउ अभी कैश फ्लो इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा कि 3 महीने डिले कर देते हैं। बट यू नो वॉट, हैड्स ऑफ टू यू। ओके तो चलो अब थोड़ा, वन प्लस है तो वन प्लस का 10 आवर्स का इसका बैकअप टाइम है। ओके 20 आवर्स तक की इसकी बैटरी है, सॉरी। ओके बुलेट वायरलेस जेड इस प्रोडक्ट का नाम है, इसकी की स्पेसिफिकेशन दी है। चलो वो इसको थोड़ा, अब आया है तो अनबॉक्सिंग ही कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। चलो सो पैकिंग है बहुत महंगी वाली की है, सो फिल्म उतारते हैं इसका। ओके दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राई वन प्लस प्रोडक्ट। सो ये भी ओपन कहाँ से होगा, यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, मे भी खींचना पड़ता होगा। अरे यार इसको खोलते कैसे हैं? ओके सो ये, हाँ तो ये ऐसे खुलता है। ओके इसको हम लगते हैं साइड में। हाँ तो एज यू कैन सी काफी महंगी पैकिंग है रेड कलर की, एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखा है, तो मैं इसको थोड़ा खींचता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके मैंने इसको जैसे ही खींचा
वाह, इट्स लुक लाइक दिस। एंड यहाँ पे भी कुछ है, इसमें क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसको तो अभी मैं जरा साइड में रखता हूँ। एंड और इस बॉक्स पैकिंग में क्या है जरा देख लेते हैं। एक्सेसरीज हैं कुछ। ओके, एक बॉक्स है, बस इतना ही है। एंड इसके अंदर भी कुछ है, बट पहले इस बॉक्स में क्या है पहले वो देख लेते हैं। सो आई थिंक ये चार्जिंग के लिए होगा। सो इट्स अ वन काइंड ऑफ चार्जर। एंड इसके अलावा आपको इधर कुछ और भी देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें एक वायर है, इसमें एक्स्ट्रा पैडिंग दी हुई है। ओके, ईयरबड्स दिए हुए हैं। एंड कुछ साहित्य से पढ़ने लिखने वालों के लिए कुछ पेपर्स लिखे हुए हैं जिनको हम कभी जिंदगी में पढ़ेंगे नहीं। एनी हाउ, सो बस यही है। इसमें जो मेन चीज है वो है ईयर कैप्स जो काफी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, एंड केबल। ठीक है, अब आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। एंड वो है हमारा ईयरबड। इसको निकालते हैं आराम से। ओके, इसको खींचने के लिए दे रखा है। एंड वाह, सो इसको आई थिंक इसे गले में पहनते होंगे। एंड लगाओ और बजाओ। ठीक है, काफी कंफर्टेबल है। वेल वंस अगेन हर्षिल, थैंक यू सो मच। इसको तो अभी मैं साइड में रख देता हूँ। बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि एक गिफ्ट हर्षिल की तरफ से मिलेगा। एज यूजल 11 फरवरी, आई वेक अप 5 o'clock, हल्का फुल्का थोड़ा सा वर्कआउट किया एंड देन स्कूल में जाना होता है। स्कूल में गया, एज बहुत लोगों को याद था कि मेरा बर्थडे है। उन्होंने मुझे एंटर होते ही बर्थडे विश कर दिया, और बहुत लोगों ने मुझे उनको याद नहीं था, बट ऑल ऑफ सडन देखा कि दूसरे विश कर रहे हैं, इनका सर का बर्थडे, पहुंच गए बर्थडे विश करने के लिए। एनी हाउ, सो सब कुछ ठीक ठाक था। एंड तभी मुझे एक सरप्राइज मिला, बिल्कुल लिविंग टाइम पे। एज आई एम द क्लास टीचर ऑफ 7B, क्लास टीचर ऑफ 7th A सपना मैम, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। टू माई सरप्राइज, मुझे बिल्कुल इसका विश्वास नहीं था, बट मैम ने मुझे कुछ दिया है। एंड वो भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। सो लेट्स सी कि मैम ने क्या दिया है। टेंटेड एंड ये कुछ दिया है। ठीक है, मैम ने पैकिंग की हुई है, तो हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड आई थिंक ये कुछ बॉटल जैसा लग रहा है मुझे, बट स्टिल नॉट श्योर। सपना मैम, यू आर ग्रेट। ये कुछ बोतल जैसा नहीं, ये मुझे बोतल ही लग रही है। एंड यस, 3 महीने पहले मैंने सपना मैम से कहा था, मैम मुझे एक बोतल ला के देना। सो मैम ने लाया नहीं, मैंने 2-3 बार मैम को टोका भी, बट एनी हाउ मैम ने बर्थडे का गिफ्ट दिया है। सो आई एम रियली थैंकफुल। एंड यस, ये जो है नैनोबोट कंपनी की बोतल है, एंड इसमें ठंडा ठंडा रहता है, गरम गरम रहता है। ओके, अगर आपने इसमें जूस डाला है तो ठंडा ही मिलेगा आपको, अगर आप यूज बाद में पीते हो तो। और अगर आपने इसमें कुछ गरम डाला है तो आपको गरम ही मिलेगा। मैम बहुत साथी रहे, देखो प्राइस टैग तक उखाड़ दिया है ना, ताकि मुझे इसकी प्राइस का पता ना चले। कोई बात नहीं मैडम, इट्स ओके। हैवी फाइन मटेरियल है, सॉलिड है, एंड काफी बढ़िया है। सो सपना मैम थैंक यू सो मच। एंड बस इतना ही था। घर पे आया, एज यूजुअल खाना वाना खाया मैंने, एंड दोपहर को कुछ 1-2 घंटा आराम किया। शाम के ऑनलाइन लेक्चर थे 5 to 7। थैंक यू टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। मीनवाइल फेसबुक से व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे बर्थडे विशेज आ रहे थे,
वन बाय वन में सबको विश भी कर रहा था। 7 o'clock में मुझे पास में, घर के पास में एक ट्यूशन जाना होता है, एंड वो ट्यूशन में जाने ही वाला था। ऑल ऑफ सडन व्हाट आई सी इन माई मोबाइल फोन, डैड हमारे गुजरात कॉलेज के प्रिंसिपल उषा मैम मुझे कॉल कर रहे हैं, एंड डैड इज थ्रू फेसबुक। फर्स्ट एक बार तो मैंने यूं किया कि यार मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। एनी हाउ मैंने कॉल पिक किया एंड रिसीव किया। मैम ने मुझे बर्थडे विश किया, हम लोगों ने, मैम ने पूछा कि हाउ वॉज योर जर्नी, कैसी आपकी मतलब लाइफ का रहा। इन फेसबुक आई कैन सी यू आर ए टीचर, बट अभी आप क्या कर रहे हो। सो मैम ने कहा कि मैं रोज एक स्टूडेंट को फोन करती हूँ जब से कोरोना पैंडेमिक हुआ है, एंड लकीली मेरा भी नंबर लग गया। सो उषा मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा। एंड व्हाट इज मैम थिंकिंग अबाउट अबाउट मी कि आई एम अ साई साई काइंड ऑफ पर्सन जो क्लास में बहुत चुपचाप सीधा साधा तरीके से बैठता था। मैम टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, थ्रू आउट माई लाइफ मैं इतना साई नहीं रहा हूँ, सिर्फ गुजरात कॉलेज के, सी इन स्कूल कॉलेज जब मैं था तो मैं साई रहता हूँ, बट एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ही एक्टिव था। ओके एंड उषा मैम आधे घंटे तक बात हुई एंड रिलेटेड टू द टॉपिक्स एंड ऑल दैट। मीन वाइल ट्यूशन में स्टूडेंट्स है तो मैं उनको हर साल पार्टी देता ही हूँ, बट मैंने सोचा कि थोड़ी इनको बड़ी पार्टी दी जाए इस बार, एंड सिंस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैं उनके घर में जाता हूँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट भाविका पाटिल वो मुझे ये कैडबरीज की डेयरी मिल्क देती हैं। सो भाविका थैंक यू सो मच। ओके सो इतना सा ही मुझे बस गिफ्ट मिले, एंड फिर मैं गया, एंड जाके मुझे हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय किया, पिज्ज़ा विज्ज़ा सैंडविच वगैरह खाए, थोड़ी आइसक्रीम खाई, इवन चाय भी पी। सो दिस इज माई बर्थडे 1986 द ईयर विच वेन आई वॉज बोर्न, एंड नाउ आई कैन टर्न 35। ठीक है 36 के लिए मैंने कुछ गोल सोचे हैं, वो मैं नेक्स्ट बर्थडे के दिन ही रिवील करूंगा। ओके सो थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बाय एवरीवन, एंड वेट बहुत जल्दी मेरे नए वीडियोस भी आएंगे। बाय एवरीवन।